जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना लगातार जारी। धरने का आज 18वां दिन है और पहलवान प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है सीधे आपको सुनवाते हैं। सब दुखी हैं। 99% महिलाओं के साथ में शोषण होता आया है। आज अगर हम बोल रहे हैं तो ये सिर्फ रेसलिंग की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ हमारी रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हर उस महिला की है जिसके साथ में गलत हुआ है, जो न्याय की आवाज उठाई है, किसी ने उसको दबा दिया गया है या कभी उनका केस ही दर्ज नहीं हुआ है या उनको ही टॉर्चर किया गया है, ये हर उस महिला की लड़ाई है। और हम चाहते हैं जिन महिलाओं के साथ में न्याय हुआ है वो आज इस मंच पे आके अपनी आवाज उठा सकती है, पूरा देश उनको सुनेगा, पूरा देश उनको सुन भी रहा है। मैडम देखिए, वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, आपको लगता है वो जांच होने देंगे? 6 दिन तक FIR भी नहीं होने दी उन्होंने। अगर वो बाहर रहेंगे तो जांच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पुलिस अभी भी उनको बचाने की कोशिश कर रही है, उनका पद लिया जाए, उनको जेल में डाल के इंटरोगेशन किया जाए, उनको कोई फांसी पे थोड़ी लटका रहे हैं, अंदर ले जाके उनको पूछताछ तो कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल सी पूछताछ है, वो क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं? तो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी से सब डरते हैं, पुलिस वाले भी डरेंगे, हर कोई डरेगा, वो एक हम जैसे नॉर्मल इंसान हो जाएंगे, उसके बाद में वो हमारे साथ पूछताछ करें या ब्रजभूषण के साथ में पूछताछ करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उनको सहयोग तो देना चाहिए ना इस चीज में। उन्होंने कहा है कि मेरा जो है वो इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है और मैं सही वो कितने सही है, वो तो उनके ऊपर जो केस लगे हैं उनसे पता ही लग रहा है। हम खिलाड़ियों पे कोई एक भी केस है क्या जो हम उनकी इमेज खराब कर, जिनकी इमेज पहले से ही खराब है उसको क्या खराब किया जाएगा? उसको तो पहले ही सजा होनी चाहिए। वो ऐसा बोल के हम खिलाड़ियों की इमेज को खराब करे, हम खिलाड़ियों को झूठा दिखाने के प्रयास कर रहे जिन्होंने देश का मान बढ़ाया, जो कि वो गलत कर रहे हैं और उनको ऐसा हक भी नहीं दिया जाना चाहिए। फिर से बताना मैडम, भारत में गौरव दिलाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि स्थापित की और आज जंतर मंतर पर देश का दुर्भाग्य है। ये हम सब भी ने इतना डिले किया है, शायद हमारी भी इसमें गलती रही है कि हमने इतने साल तक इस चीज को, इस शोषण को हमने बर्दाश्त किया। आज हम बोल रहे हैं तो आज सबको साथ आने की जरूरत है, पूरा देश साथ में खड़ा है। जो भी लोग डरे हुए हैं, अब भी घरों से नहीं निकले हैं, तो हम उन सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप घरों से निकलिए, ये बहुत हाई टाइम आ गया है कि जो भी हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज उठाएं। और अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे की प्रगति कैसे होगी? महिलाएं ही तो जन्म देती हैं इंसान का, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो देश, हमारा देश कहां प्रगति करेगा? कहीं प्रगति नहीं कर सकता। बिल्कुल मैम, देखिए ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है, लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, कोई छोटी ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया उसके लिए हम बैठे हैं या कोई, हमारे देश ने संविधान बनाया है, संविधान में ये कानून पास ऐसे लगेगा कि हमें न्याय मिला है, वो हर उस भावना की लड़ाई है, पोजिशनल पावर पोजिशन है, तो इंसाफ की लड़ाई है, जब तक नहीं जीतेंगे। और ये सिर्फ मैं बताया ना, रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला वो जो हमसे कनेक्ट कर पा रही है, अपने दुख को दर्द को हमारे दर्द से जोड़ के देख रही है कि काश इन लड़कियों को न्याय मिले तो हमें भी ऐसे लगेगा कि हमें न्याय मिला है, वो हर उस भावना की लड़ाई है। मैडम जो बोल रहे हैं उनको ले आइए, न्याय दिला दीजिए, अंगूठ खींच ले जाएंगे, अगर उनकी बहन बेटी होती है वो बोलते कि राजनीति होता है, उनका काम यही है कि भाई वो इस रास्ते को कैसे भटका सकते हैं, इस जो प्रोटेस्ट है इसको हम कैसे दूसरा रूप दे सकते हैं, वो कभी देशद्रोही बोल रहे हैं, कभी किसानों के, जैसे किसानों को बदनाम किया गया था उसी तरह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देश, जो देशद्रोही है तो इस देश में देशभक्त कौन है? जो उनके साथ जय बोल दे वो देशभक्त हो जाता है। राजनीति पार्टियों को क्या लगता है कि लड़के आवाज उठाएंगे तो मतलब उनको सहन नहीं होता है क्या? ये लड़कियों ने आवाज उठाई है, उनका सम्मान करना चाहिए, सम्मान करने की बजाय वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे संविधान को ही वो गालियां दे रहे हैं।
संविधान में ये कानून पारित हुआ था। हम ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे संविधान में कानून है, हम कानून के तहत बात कर रहे हैं। वो कानून को अगर खत्म करने की दबाने की कोशिश की जा रही है तो देश तो सड़कों पर निकलेगा ही मैडम। चलो हो गया, आरोप कौन लगा रहा है मैडम? जो आरोप लगा रहे हैं पहले उनकी छवि देख लीजिए, उसके बाद में हमारी छवि देख लीजिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। तो विनेश फोगाट को आपने सुना, पहलवानों की ओर से प्रेसवार्ता की गई। आज चूंकि 18वां दिन है और विनेश फोगाट का ये कहना है कि जब बेटियों के साथ ही, वो भी पहलवान बेटियों के साथ ही, अगर इस तरह से देश में गलत होगा तो देश का क्या होगा, ये बात इनकी ओर से कही गई है। साथ ही सरकार को भी निशाने पर लिया गया। ब्रजभूषण के खिलाफ एक बार फिर से कार्रवाई की, गिरफ्तार उन्हें किए जाने की मांग उठाई गई है। अगली खबर सोनीपत से है। गोहाना के गौतम